जवाब में 247 रन। कोलकाता के बाद दिल्ली में आया बल्लेबाजों का सांसे रोक देने वाला तूफान। मुंबई के गेंदबाजों की जमकर हुई कुटाई, फिर बल्लेबाजी में काम नहीं आए रोहित, ईशान और सूर्य कुमार यादव। मुंबई को 12 गेंदों में जीत के लिए चाहिए थे 41 रन, फिर विकेट के पीछे से कप्तान पंत ने बदल दिया पूरा गेम। दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम था, मुकाबला हो रहा था मुंबई बनाम दिल्ली। दिल्ली अपने होम एडवांटेज का खूब फायदा उठाना चाहती थी, लेकिन टॉस जीते थे हार्दिक पांड्या। लेकिन हुआ वही जो दिल्ली वाले चाह रहे थे, पहले बल्लेबाजी मिल गई और पहले बल्लेबाजी में दिल्ली के बल्लेबाजों ने वो खेल दिखाया जिसे देख कर तो पंजाब और केकेआर का मैच लोग भूल गए। शुरुआत इतनी जबरदस्त की हर गेंद पर चौके और छक्के लग रहे थे। शुरुआत के 25 गेंदों पर जैक फ्रेजर तो 70 रनों का स्कोर पार कर लिया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा विराम लगा, लेकिन यहां पर मामला थमा नहीं। दिल्ली ने 257 रन बना दिए, जो अब तक के आईपीएल इतिहास का उनका सबसे सर्वश्रेष्ठ रन था, और इसे बचाने की जिम्मेदारी दिल्ली के गेंदबाजों के पास थी। और फिर रोहित शर्मा, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव के साथ वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ था आखिरी 12 गेंदों में, कैसे ऋषभ पंत ने पलट दिया पूरा मैच, देखते हैं छोटी सी रिपोर्ट में। मुंबई के खिलाफ दिल्ली ने जबरदस्त शुरुआत की, जैक फ्रेजर ने पारी की शुरुआत में चौके और छक्कों की झड़ी लगा दी। पहले विकेट के लिए उन्होंने पोरेल के साथ 114 रनों की साझेदारी निभाई। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने 27 गेंदों पर 84 रनों की तूफानी पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 11 चौके और 6 छक्के निकले। इस दौरान जैक फ्रेजर का स्ट्राइक रेट 300 से ज्यादा का रहा। इसके अलावा पोरेल 36 रन बनाए तीसरे विकेट के लिए आए। साई होप और ऋषभ पंत के बीच 53 रनों की साझेदारी हुई। होप 17 गेंदों पर 41 रन बनाने में कामयाब हुए। कप्तान 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 29 रन बनाए। पंत और स्टेप्स के बीच 55 रनों की पार्टनरशिप हुई। स्टेप 25 गेंद पर 48 रन बनाकर नाबाद रहे। अक्षर पटेल ने 11 रनों की नाबाद पारी खेली। दिल्ली की बल्लेबाजी देखकर तो दिल्ली वाले यही बोल रहे थे, हम ये मुकाबला जीत चुके हैं, चलिए अब खाते हैं चांदनी चौक में बढ़िया पराठे। लेकिन जो शुरुआत रही मुंबई के बल्लेबाजों की, वो थोड़ा निराशाजनक रही। क्या हुआ तो 258 रनों के लक्ष्य का पीछा करने में मुंबई कहां चूक गई, दिखाते हैं छोटी सी रिपोर्ट में। 258 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 35 के स्कोर पर ही रोहित शर्मा 8 रन के स्कोर पर आउट हो गए। इसके बाद 20 रन बनाकर ईशान किशन आउट हो गए। तीसरे नंबर पर आए सूर्या से उम्मीदें थी, लेकिन वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर सके और 26 रन बनाकर चलता हो गए। लेकिन इसके बाद कप्तान पांड्या और तिलक ने जिम्मेदारी संभाली और टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। लगातार हिट करने के चक्कर में हार्दिक 24 गेंदों पर 46 रन बनाकर आउट हो गए। तिलक वर्मा ने 32 गेंदों पर 63 रनों की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए। लेकिन आखिरी 18 गेंदें इतनी रोमांचक रही कि हर कोई उसकी चर्चा कर रहा है, क्योंकि आखिरी 18 गेंदों पर मुंबई को जीत के लिए 64 रनों की जरूरत थी। लेकिन जब 18 गेंदें 15 गेंदें रह गई तो ये स्कोर 45 रन पर आ गए, यानी 2 छक्के और 1 चौका पड़ गए और मुकाबला थोड़ा सा मुंबई की ओर झुकने लगा। आखिरी 12 गेंदों में मुंबई को जीत के लिए 41 रनों की जरूरत थी। फिर 19वें ओवर में मुंबई के बल्लेबाजों ने जो खेल दिखाया उसकी हर कोई तारीफ कर रहा। अब आखिरी 6 गेंदों पर 25 रनों की जरूरत थी। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ये मान चुके थे कि तिलक वर्मा स्ट्राइक पेयर और हम मुकाबला जीत लेंगे, और लगने भी लगा था। लेकिन फिर क्या, फिर मुकेश कुमार ने पहली गेंद पर तिलक वर्मा को आउट कर दिया। ये रन आउट था और ये रन आउट मुंबई के लिए सिर्फ गोल साबित हुआ और इस मुकाबले में मुंबई को 10 रनों से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यहां पर शुरुआती बल्लेबाज अगर दमखम दिखाते, थोड़े रन बनाते, तो शायद ही मुकाबला मुंबई की टीम बड़े आराम से जीत लेती। चूंकि पिच पे कोई जान नहीं थी, इसलिए दोनों तरफ के गेंदबाजों का कोई कसूर नहीं, सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजी खराब हुई, वो भी मुंबई की और शुरुआत के 3 बल्लेबाज। तो फिलहाल आप किसे मानते हैं, हार का कसूरवार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद।